दिल्ली में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया है। इसके अलावा दिल्ली में सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा सेंटर को भी 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर पाबंदी भी लगा दी गई है, चाहे वह शादी समारोह ही क्यों न हो। सोमवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई कार्यक्रम जरूरी ना हो तो उसको स्थगित कर दें। लोग भीड़ में ना जाएं और ना ही भीड़ को एकत्रित होने दें। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोग दहशत ना फैलाएं बल्कि जागरूक हों। सरकार कोरोना से निपटने के लिए जरूरी और त्वरित कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में 7 केस अभी तक आए हैं, 4 अभी अस्पताल में भर्ती हैं, 1 की दुर्भाग्य से मौत हो गई, बाकी के ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जगह जगह हाथ धोने के लिए मोबाइल सेवा शुरू की जाएगी, सोसाइटी आदि के बाहर सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे, 50 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी। केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि अगर हो सके तो शादी ब्याह को अभी टाल दे, मगर इस पर रोक नहीं लगाई गई है। केजरीवाल ने कहा कि मॉल पर अभी रोक नहीं लगाई गई है, अगर जरूरत पड़ी तो 1 या 2 दिन में इस पर विचार किया जाएगा। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर बंद करने का आदेश दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दूसरे देशों को देखकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। नवरात्रि में लोग जमा ना हो, 50 से अधिक लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सोशल या कल्चरल गैदरिंग अलाउ नहीं करेंगे। मॉल बंद करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर आने वाले 1-2 दिन में बात करके तय करेंगे, केंद्र सरकार से लगातार बात हो रही है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।